good afternoon wherever you are in the world. Thank you so much for listening me, watching me, following me. Today's topic is regarding the fire safety at workplace. We have discussed earlier about the signages that everyone can make the signages and can put on the area. And same thing about here. Today we'll talk about the fire extinguisher. What kind of fire extinguisher we need in office? The main thing is that. And the answer is very easy. There are multiple use of fire extinguisher in the market on which they have a label. In a label, there was a picture of electric, there was a picture of wood, there was a picture of paper. So whichever you're going to put extinguisher over there, you just check that before using, you have to just check that whatever you're applying in it, it is, the picture is there or not. If the picture is not there of electric, do not use on the electric. A simple thing is that use extinguisher as per subscribed, as per labeled. थैंक यू सो मच. आज की वीडियो जो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर वर्क प्लेस पर है कि मेरे वर्क प्लेस पर कौन से फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, मेरे घर पे कौन से फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए. तो आजकल मल्टीपल फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं जिसमें सारी तस्वीरें बनी हुई हैं कि आप इसको इलेक्ट्रिक पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है वो फोम पे या गद्दे पे यूज़ कर सकते हैं, या आप तेल पे यूज़ कर सकते हैं. पूरी तस्वीरें बनी हुई हैं. तो आप जब भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करें या परचेज करें तो आप देख लें आपके पास हैज़र्ड क्या है. नॉर्मल आपके वर्क प्लेस में ऑफिस के दो हैज़र्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक का और एक नॉर्मल अगर कोई चीज़ जल रही हो. तो अमूमन हमारे पास जो मोस्ट रिकमेंडेड होता है वो DCP होता है, ड्राई केमिकल पाउडर. वो हर पर्पज़ पे तकरीबन काम करता है. तो मोस्ट रिकमेंडेड DCP है, वरना इसके अलावा भी आप जब जाएं तो अपने हैज़र्ड के हिसाब से वो एक्सटिंग्विशर खरीदें तो वो तस्वीर मौजूद हो. आपको सबसे अहम बात है ये समझ चाहिए कि मुझे फायर एक्सटिंग्विशर लगाना कहाँ चाहिए. तो NFPA बोलता है कि ज़मीन से 4 इंच ऊपर, ताकि किसी तरीके से जंग ना लगे, कोई ट्रे पे कुछ रखा हुआ, और मैक्सिमम 5 फीट ऊपर, ताकि उसको निकालते हुए कोई इंजर्ड ना हो. तो ज़मीन से 4 इंच ऊपर और ऊपर 5 मैक्सिमम 5 फुट की हाइट पे आप कहीं फिक्स कर सकते हैं. दूसरी उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो विजिबल नज़र आ रहा हो. तीसरा ये उसका साइनेज भी करीब में लगा हुआ, ताकि किसी को ढूंढते नजर आ जाए कि यहाँ लगा हुआ. और चौथा ये कि जो आपका प्लान बने, एग्जिट प्लान जो आपने लगाया हुआ, उसमें भी मार्क किया हो कि मेरा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर है. और छोटी सी बात है समझाने वाली कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए उस पर जो तस्वीर हो सबसे यूज़ करना चाहिए. और यूज़ करने के लिए एक दफ़ा ट्रेनिंग देख लें, यूट्यूब पे भी होती है, हम भी दिखा देंगे, मेरी वीडियोज़ में भी आ जाएगी कि आपने यूज़ करा उसका साथ यूज़ करने का तरीका ये है. उसको हम पास बोलते हैं कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं कम से कम 6 फीट दूर होना है. पी से जो आता है पुल द पिन आता है, ए से जो आता है एम आता है, एस से जो आता है वो स्क्वीज़ आता है, और दूसरा है जो स्वीप का है जिससे आपने उसको यूज़ करना है. बहुत ईजी है, एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके खुद यूज़ कर ले, आपको आइडिया होना जाएगा. फिर वीडियो अटैच करेंगे उसको आप देख लेगा. आज की एक स्टोरी बड़ी अहम है, ये वो है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गलत फायर फाइटिंग करते हैं, गलत एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हुए आग को बढ़ा देते हैं. तो फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अगर आपका हैंड ऑन ट्रेनिंग हुई भी है, अगर आपको प्रैक्टिस है और आप कॉन्फिडेंट हैं. अगर प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्फिडेंट है, तो नहीं यूज़ कीजिएगा. लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूर चाहिए ताकि आप नहीं तो कोई और यूज़ कर सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई एम ग्लैड यू आर फॉलोइंग मी. एंड प्लस वन थिंग, नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट सेम विद द फायर सेफ्टी एट द वर्क प्लेस विद द स्मॉल स्टोरीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू. Thank you.